वेलकम बैक टू द चैनल किड्डो जोनी तारा हर्ष प्रियंका। और आज मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि स्वेडल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो स्वेडल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो फुल वॉच करिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बेबी केयर रूटीन में, एक बेबी केयर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत पहले से बहुत ही पुरानी परंपरा है बच्चों को स्वेडल करना। हाँ, कि स्वेडल होता क्या है, फर्स्ट कि बच्चे को कपड़े में, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको कपड़े में लपेटना, उसको हिंदी में कपड़े में लपेटना बोलते हैं। बच्चों को क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी को कॉटन के कपड़े में, सॉफ्ट कपड़े में, मलमल के कपड़े में, जितने सॉफ्ट कपड़े होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है। और ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए है, तो न्यू बॉर्न बेबी की स्किन वैसे भी काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी सेंसिटिव होती है, उनको बहुत चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना कपड़ा सॉफ्ट होगा, क्लीन होगा, मलमल का कपड़ा अगर आपके पास है तो उससे बच्चों को रैप करिए, लपेटिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों को कपड़े में लपेटना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वेडल या फिर स्वेडलिंग। तो बेबी स्वेडलिंग में हम आगे ये डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे को स्वेडल करना क्यों इम्पोर्टेंट है, बच्चे को स्वेडल कब से स्टार्ट कर देना चाहिए करना, बच्चे को स्वेडलिंग कब बंद कर देना चाहिए करना, और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सो एवरीवन, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्वेडल करना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहे तो बच्चों को स्वेडल करिए, चाहे तो नहीं करिए। तो आपको स्वेडल करना है नहीं करना है, ये डिसीजन लेने से पहले इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट पे, इसके फ़ायदे की बात करते हैं, इसके बाद इसके क्या क्या नुकसान है उसकी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट, स्वेडल, बच्चों को स्वेडल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो अपनी मम्मा के टमनी से बाहर आते हैं, तो उनका एटमॉस्फेयर सडनली चेंज हो जाता है। क्या होता है कि बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, उनको वहाँ पे बहुत कम स्पेस होता है, छोटे से स्पेस में वो बहुत ज़्यादा हिल डुल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, उनका सब कुछ एकदम कवर होता है। तो ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए स्वेडल करना, स्वेडलिंग इम्पॉर्टेंट होता है। स्वेडल करते हैं तो बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि वो अपने माँ के गर्भ में है, तो वहाँ वो बहुत कंफर्टेबली वहाँ वो रहता है। क्योंकि सडनली अगर किसी का भी एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया जाए तो क्या होता है, उसको अडॉप्ट करने में आदमी को कोई भी न्यू एटमॉस्फेयर थोड़ा टाइम लगता है। तो यही चीज़ बच्चे के साथ भी होता है, उस सडनली माँ के गर्भ से बाहर आया, टमी से बाहर आया, और उसको सडनली सब कुछ चेंज होता मिलता है, सब कुछ चेंज हुआ मिलता है, तो उसको हर एक एक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है। तो हम उस माँ के गर्भ का एक कृत्रिम जो होता है एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करते हैं जब हम स्वेडलिंग करते हैं। दूसरा, इसका बेनिफिट ये है कि बच्चे अचानक से सोए सोए अचानक से वो जग जाते हैं और बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, और उसका असर ये पड़ता है, एक तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, दूसरी उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि चाहे वो बड़े लोग होते हैं या फिर बच्चे, एक होता है फर्स्ट रिफ्लेक्शन, बॉडी का जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें हम लोग की भी नींद से हम जग जाते हैं, ऐसे लगता है कि मतलब पूरी बॉडी ऐसे कांप सी, लोग भी कांप जाते हैं, नींद खुल जाती है। बट बड़े लोगों को पता होता है, हमें पता होता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम तुरंत बाद सो जाते हैं, बट बच्चे बिल्कुल डर जाते हैं और फिर वो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि आपकी भी नींद डिस्टर्ब होती है, अब बच्चे की तो होती ही होती है। तो जब आप शेडलिंग करते हैं तो बच्चे का जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है वो उस टाइम पे बच्चा डरता नहीं है, वो आता है। और फिर क्योंकि बच्चे का क्या किया, आप पूरी बॉडी को कवर कर दिए हैं, थोड़ा टाइट बांधे हुए हैं, तो उसकी नींद नहीं डिस्टर्ब होती है इस चीज़ से। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में भी बच्चे को स्वेडलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि रिफ्लेक्शन तो आया बॉडी में बट उसकी वजह से बच्चा डरा नहीं और बच्चा नींद, उसकी नींद नहीं खराब हुई, नींद से वो जग के चिल्लाने और रोने नहीं लगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्वेडलिंग का ये होता है कि बच्चे का जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन आता है बॉडी में, उससे उसकी नींद नहीं डिस्टर्ब होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा क्या होता है कि कभी कभी वो इरिटेट होने लगता है, रोने लगता है, तो उस टाइम पे अगर आप स्वेडल कर दीजिए तो उसको
क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर होता है बाहर का, उसे वो इरिटेट होने लगता है। तो अगर आप शटलिंग कर दीजिए तो आप देखेंगे कि बच्चा शांत हो गया, उसका रोना बंद हो जाता है। इसके बाद हम बात करें अगर नेक्स्ट प्रोसेस की, तो बच्चा क्या होता है कि कभी कभी उसकी बॉडी टायर्ड होती है, थकी हुई होती है और वो प्रॉपर सो नहीं पाता है। तो अगर आप श्रेडलिंग कर देते हैं तो बच्चा श्रेडलिंग के बाद बच्चे की नींद काफ़ी अच्छे से प्रॉपरली आती है, क्योंकि उसको माँ के गर्व की फीलिंग होती है। वो उसको लगता है कि वो अपने मम्मी के टम्मी में ही है, जो एटमॉस्फेयर से वो बाहर आया है वही एटमॉस्फेयर फील करता है, और इसके बाद वो आराम से सोता है। बच्चा उसकी नींद कंप्लीट हो जाती है, या फिर बॉडी पेन उसका हो रहा है तो अगर आप श्रेडल कर दीजिए तो उससे भी वो रिलैक्स होता है, उसको रिलीफ मिलता है। तो बच्चे की नींद में भी श्रेडलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो एवरीवन, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ श्रेडलिंग। तो फर्स्ट वन इज SIDS। व्हाट इज SIDS? SIDS होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसमें बच्चे आप लोगों ने ये काफ़ी केस सुना होगा कि बच्चा सोए सोए ही उस बच्चों की डेथ हो जाती है, उनके नोज पे, माउथ पे, या फिर वो कवर हो जाते हैं ब्लैंकेट से या कोई हार्ड कपड़े से, और क्योंकि बच्चे मूव नहीं कर पाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, चिल्ला नहीं पाते हैं, और ऐसे केसेस बार बार सुनने में आते हैं। तो ये इसी का रीजन है कि अगर आपने श्रेडलिंग किया हुआ है तो बच्चा हाथ पैर नहीं मार पाता है। तो श्रेडलिंग का एक साइड इफ़ेक्ट है, बट ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि श्रेडलिंग का पार्ट है श्रेडलिंग में, क्योंकि आपको क्या करना है, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि बच्चे को एक सॉफ्ट कपड़े से रैप करना है। उसमें रैप कैसे करना है मैंने पार्ट वन में बताया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर मलमल का कपड़ा है या फिर पुराना कोई घर का कपड़ा है कॉटन का, उसको आप प्रीफर करिए। या फिर मार्केट में बच्चों के बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े आ रहे हैं, इको फ्रेंडली, बच्चों के बेबी फ्रेंडली, तो उसको आप प्रीफर करिए लेना। या फिर घर के भी पुराने कपड़े, हार्ड कपड़े या ब्लैंकेट से कभी भी बच्चे को श्रेडल नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि बच्चों की स्वेडलिंग आपको हार्ड या ब्लैंकेट से या हार्ड कपड़े से या फिर वैसे कपड़े जो बच्चे को इरिटेट करते हों, उनकी स्किन के फ्रेंडली नहीं हो, उससे बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड हम बात कर लें, तो जब भी आप अगर नींद में हो तो आप बच्चे को कभी स्वेडल नहीं करिए। उससे क्या होता है कि अगर आप ब्लैंकेट ओढ़े हुए हो, वो ब्लैंकेट बाय मिस्टेक आप नींद में हो, बाय मिस्टेक आप से ही बच्चे के फेस पे चला गया, बच्चे पे चला गया, तो अगर आपने बच्चे को श्रेडल किया हुआ है तो वो कभी भी हाथ पैर मार के आपको वो नहीं बताएगा, क्योंकि बच्चा या तो रोएगा, चिल्लाएगा, या फिर मोस्टली बच्चे जब अनकंफर्टेबल होते हैं तो हाथ पैर मारते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे अनकंफर्टेबल है, आपकी नींद खुल जाती है। तो अगर आप उसको श्रेडल किया हुआ है तो वो हाथ पैर नहीं मार पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चों की यहाँ पे मतलब रिस्क होता है, और एट लास्ट अगर हम बोले तो SIDS मतलब कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम बात कर लें कि बच्चे को अगर श्रेडलिंग आप कर रहे हो तो उनके लेग में, कुल्हे में पेन की भी शिकायत हो जाती है, कुल्हे में मेजर प्रॉब्लम होने लगती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। इस चीज़ को अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको श्रेडलिंग अच्छे से प्रॉपर नहीं आती है कि कैसे श्रेडल करना है, उसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है, तो ये वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। तो करना क्या है कि जब भी आप श्रेडलिंग करें बच्चे को, तो उसमें 3 इंच का या 2 इंच का गैप बच्चे की बॉडी से क्लॉथ का होना चाहिए। बहुत टाइट आपको रैप नहीं करना है बच्चे को, नहीं तो क्या होगा कि बच्चा अपना कोई भी बॉडी का पार्ट, हाथ, हैंड का मूवमेंट, लेग का मूवमेंट वो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अगर आप, क्योंकि आपने हैंड और लेग दोनों फोल्ड करके बांधा हुआ है, स्वेडलिंग में ऐसे ही किया जाता है कि हैंड को चेस्ट पे क्लोज करके बांधा जाता है, वैसे ही लेग को फोल्ड करके बांधते हैं। तो बच्चे को अगर थोड़ा सा हाथ या लेग का मूवमेंट करना है तो नहीं कर पाएगा। कुल्हे पे भी अगर आपने टाइट बांध दिया तो वहाँ पे भी, क्योंकि लेग मुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बच्चे को पेन स्टार्ट हो जाता है, जो आपको समझ में नहीं आएगा, और कंटिन्यू आप ये करेंगे तो लेग, हैंड पेन या फिर कुल्हे की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो सारे अगर प्रॉपर आपको श्रेडलिंग नहीं आती है उसकी वजह से होता है। श्रेडलिंग रीजन नहीं है, प्रॉपर श्रेडलिंग नहीं आना ये रीजन है।
तो ये हो गया निगेटिव इफेक्ट श्रेडलिंग का। तो ये सब जानते हुए भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको श्रेडलिंग करनी है नहीं करनी है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि बच्चे की श्रेडलिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए और कब बंद कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस यहाँ ये करते हैं कि बच्चे की श्रेडलिंग स्टार्ट कब से करनी चाहिए। तो बच्चा बर्थ के टाइम से, मतलब कि जन्म के बाद, आप तुरंत बच्चे को श्रेडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है उसी दिन से, उसके दो तीन दिन बाद से भी आप श्रेडलिंग, क्योंकि बच्चा तुरंत माँ के गर्भ से आता है तो उसको तब श्रेडलिंग की काफ़ी ज़रूरत होती है। जितना न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपेयर टू जब वो बड़े होने लगते हैं, क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर से आए रहते हैं तो उनको एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, ना कि अगर बच्चे को आदत पड़ जाती है उसको। तो आप 0 to 3 months तक बच्चे को श्रेडलिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर बच्चा आपका कंफर्टेबल है तभी आप श्रेडलिंग करिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे अपना हाथ पैर बार बार, आपका बच्चा हाथ पैर श्रेडल से बाहर कर दे रहा है, तब आपको समझ लेना इम्पोर्टेंट है कि बच्चा आपका श्रेडलिंग में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उसकी श्रेडलिंग वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें कि बच्चे की श्रेडलिंग कब से बंद कर देनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आपके बच्चे को अगर श्रेडलिंग की आदत है, और आदत कब पड़ेगी, जब आप बच्चे को स्टार्टिंग डे वन से श्रेडलिंग करने लगेंगे तब आदत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 2 या 3 महीने बाद आप बच्चे की श्रेडलिंग स्टार्ट करिए, नहीं, वो क्योंकि 2-3 महीने के बाद बच्चे को आदत हो जाती है उस एटमॉस्फेयर की। 2-3 महीने वो एडजस्ट कर चुका होता है न्यू एटमॉस्फेयर उसको, सो बच्चे को 2 या 3 महीने के बाद आदत न्यू एटमॉस्फेयर की हो गई होती है। अगर आप श्रेडल नहीं कर रहे और बच्चा प्रॉपरली सो रहा है, वो इरिटेट नहीं हो रहा है, तो फिर तो आफ्टर 2 या 3 months के बाद श्रेडल स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तब आप स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को एक फिर से न्यू एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसकी वजह से वो अनकम्फर्टेबल फील करेगा। इसके बाद आप बच्चे की श्रेडलिंग कब स्टॉप करना है, आफ्टर 3 months बाद, जब बच्चा हैंड और लेग का मूवमेंट तो स्टार्टिंग से ही करता है, बट वो जब पलटने लगता है, टर्न होने लगता है खुद से सेल्फ, तब आप बच्चे की श्रेडलिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा जो लर्निंग स्टेज एक हो जाता है, वो टर्न होना सीखता है, लेफ्ट या राइट टर्न होना, फिर वो टमी साइड में आता है खुद से बच्चा, मतलब आपकी ज़रूरत नहीं होती है, वो सेल्फ जब करने लगता है तब वो लर्निंग टाइम उसका क्या होगा। अगर श्रेडल उस टाइम पर करते हो तो बार बार बच्चा अगर श्रेडल अगर वो टर्न हुआ तो वो अपने नेक्स्ट पोजिशन में नहीं आ पाएगा, सॉरी, अपने पहले के पोजीशन में नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कि बच्चा लेफ्ट या राइट टर्न हुआ और उसकी नाक दब गई और आपने उस टाइम पे श्रेडल किया हुआ है, और ये काफ़ी रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर उसको अनकम्फर्टेबल हुआ, श्रेडल किया हुआ है, उसके हाथ पर पाँव बंधे हुए हैं, तो अगर अपना कम्फर्ट जोन पर नहीं आ पाया तो इसकी वजह से भी बच्चों को रिस्क हो सकता है। तो जब भी बच्चा टर्न होना स्टार्ट कर देता है तो आप बंद कर दीजिए। दूसरी बात कि जब वो लर्न कर रहा है टर्न होना, इसमें जब आप उसकी बॉडी बंधी होती है तो वो ट्राई करेगा, जब उसको अनकम्फर्टेबल होने लगेगा तो ट्राई करना छोड़ देगा, तो 2-3 महीने के बाद आपको श्रेडल करना बंद कर देना चाहिए। तो होप कि आप, और हाँ, अगर आप बच्चे के पास नहीं हैं और बच्चा जगा हुआ है, सो नहीं रहा है, बच्चा अगर जगा हुआ है तो उस टाइम पे भी आपको श्रेडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर बच्चे को कोई गोदी में लेके खिला रहे, तो मतलब बच्चे को आप कंटिन्यू श्रेडल नहीं करिए, बच्चा क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, कम जगते हैं दूध लेने के लिए, या फिर दूध जब उनको भूख लगती है थोड़े बहुत जगेंगे, खेलेंगे, फिर सो जाते हैं। तो मोस्टली ये ट्राई करिए कि श्रेडल जो होता है वो बच्चा जब सो रहा है स्लीपिंग टाइम में आप दीजिए, और जब वो जगा है तो उसकी बॉडी को थोड़ा सा फ्री भी छोड़िए, क्योंकि आप सडनली अगर श्रेडल बंद कर देंगे तब भी बच्चा एडजस्ट उस एटमॉस्फेयर को नहीं कर पाएगा, और दूसरी बात कि वो सेल्फ खुद करने की ट्राई भी वो जल्दी नहीं कर पाएगा, और तीसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को की बॉडी को थोड़ा सा फ्री छोड़ना, बॉडी में एयर प्रॉपर जाना, उसको थोड़ा मूव करना, ये भी ज़रूरी होता है अगर आप गोदी में लेके उसको इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस के टाइम पे आप श्रेडल को अवॉइड कर सकते हैं। तो होप गाइस कि वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहा होगा, 100% ये यूजफुल है वीडियो, आप लोगों को हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो आप वीडियो को थम्स अप करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी यूजफुल और
इंपॉर्टेंट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.